आप देख रहे हैं वी संसार। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे वसंत पंचमी क्या है और इसकी पूजा विधि के बारे में, और आपको साथ ही बताएंगे कि भूल कर भी हमें कौन से 6 काम नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। और दोस्तों साथ ही अब बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी खास दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी, और इसलिए इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। यही नहीं, इस दिन पितृतर्पण भी किया जाता है और कामदेव की पूजा भी की जाती है। सरस्वती पूजा को लेकर आपको हर कोई ज्ञान देता होगा कि यह करो वो करो, लेकिन आज वेद अनुसार आपको कुछ हटकर ज्ञान देने जा रहा है कि सरस्वती पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन सी 6 चीजें हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे लाल और काले रंग से दूर रहने की। वसंत पंचमी के दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, इसलिए पीले सफेद या धानी रंग के वस्त्र आपको धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे फसल या पेड़ की कटाई ना करने की। बता दें कि वसंत पंचमी प्रकृति का त्योहार है और हरियाली के उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसलिए याद रखें कि फसल काटने के काम को इस दिन टाल देना चाहिए। वह साथ ही घर में किसी भी पेड़ की चटाई भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप इस दिन वृक्षारोपण करें। बुरी व कड़वी बातें ना भूलना। याद रहे कि सरस्वती पूजा के दिन किसी को भी आप अनाप शनाप बोलने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती हर किसी के जुबान पर आती हैं, और इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए और गुस्सा भी करने से बचें। ना किसी को बुरा बोले और सबके साथ मधुरता का व्यवहार भी करें। यही नहीं, खुद के लिए भी कुछ अच्छा बुरा या फिर कोसने वाली बातें ना कहें, क्योंकि वह कभी भी सच हो सकता है। अच्छा यही होगा कि आपके लिए हमेशा शुभ बोलें और शुभ बातें ही सोचें। आगे है घर में कलह करने से बचें। क्या आप जानते हैं कि इस दिन पितृतर्पण भी किया जाता है, इसलिए घर में भूल कर भी कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को कष्ट होता है। बिना नहाए ना खाना। सरस्वती पूजा के खास दिन गलती से भी बिना नहाए धोए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। मांस मछली व शराब का सेवन ना करना। याद से वसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। केवल सात्विक भोजन करें और हमेशा खुश रहें। हो सके तो वसंत पंचमी के दिन खीर जरूर बनाएं और खाएं, वह घर को सुगंधित भी बनाए रखें। तो दोस्तों ये बात करते हैं माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें। माता सरस्वती की पूजा अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर को सामने रख दें। अब इसके बाद कलश स्थापित करें और गणेश जी तथा नवग्रह की पूजा विधिवत रूप के साथ करें और माता सरस्वती की पूजा करें। माता सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान अच्छे से कराएं। इसके बाद माता को फूल माला भी चढ़ाएं। ध्यान रहे कि माता सरस्वती को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित जरूर करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के चरणों पर गुलाब भी अर्पित करें। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र ही पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल भी याद से चढ़ाएं। आप चाहे तो प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया भी अर्पित कर सकते हैं। यही नहीं, इस दिन माता सरस्वती को मालपुए और खीर भी चढ़ाएं। दोस्तों कहते हैं इस दिन भोग लगाना शुभ माना जाता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्ल पक्ष के खास दिन माता सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा कर लेने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना भी उचित माना जाता है। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों यह थे वसंत पंचमी के दिन में आपको कौन से 6 काम नहीं करने चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इन बातों का जरूर से ध्यान रखेंगे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।